लास्ट टू लास्ट क्लास हम डिस्कस कर चुके थे कंप्यूटर के चार महत्वपूर्ण भाग होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस का लेक्चर हम पहले कर चुके हैं, ले चुके हैं। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा। जो भी प्रोसेसिंग इनपुट डिवाइस से हम इनपुट देते हैं, हमें क्लिक करना होता है, हमें की प्रेस करनी होती है, जो भी बटन प्रेस करना होता है वो हम प्रेस करते हैं, और वो जो आपकी इंस्ट्रक्शन है एज ए इंस्ट्रक्शन आपके प्रोसेसिंग डिवाइस में जाता है, प्रोसेसिंग डिवाइस उसको प्रोसेस करता है और हमें हमारा रिजल्ट प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले होता है। सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस आर एज फॉलोज। उनमें से कुछ आउटपुट डिवाइस निम्न प्रकार हैं। मॉनिटर। अ मॉनिटर डिस्प्लेज द रिजल्ट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, पिक्चर्स और वीडियो। मॉनिटर रिजल्ट को, जो भी हमारा आउटपुट होता है उसे टेक्स्ट की फॉर्म में, अगर हमने टेक्स्ट पे वर्क किया या हमने कुछ टाइप किया है तो उस फॉर्म में, अगर हमने कुछ ड्रॉ किया है तो उस फॉर्म में, या फिर हमने कोई वीडियो चलाई है या म्यूज़िक प्लेयर ऑन किया है तो वो भी क्या है, एक तरीके का आउटपुट है, वो हमें डिस्प्ले होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट या VDU भी कहा जाता है। द आउटपुट वी सी ऑन द मोनिटर इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी। जो भी आउटपुट हमें मोनिटर में दिखाई देता है उसे सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, बिकॉज ऑफ उसे हम हाथ से टच नहीं कर सकते, ओनली वी कैन सी। नेक्स्ट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोनिटर्स। मोनिटर तीन तरह के होते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट CRT, सी फॉर कैथोड, आर फॉर रे, टी फॉर ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। इट इज़ बिग इन साइज़, हैवी एंड ऑक्यूपाइज लॉट ऑफ स्पेसेस। ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, भारी होते हैं और इनको रखने के लिए हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। दिस मॉनिटर इज़ रेयरली यूज्ड दीज डे। इन दिनों इसका उपयोग बहुत कम ही किया जाता है। यह आप डायग्राम में देख सकते हैं, CRT मॉनिटर इस तरीके से होते हैं। सेकंड, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। इट इज़ नाइदर वेरी बिग इन साइज नॉट हैवी। ना तो ये ज़्यादा बड़े होते हैं ना ही ज़्यादा भारी होते हैं। इट ऑक्यूपाइज वेरी लेस स्पेस। ये जगह जो है वो कम घेरते हैं। द पिक्चर्स ऑन इट आर मोर क्लियर दैन दोज ऑन CRT मोनिटर। इसमें जो पिक्चर दिखाई देती है या जो भी हम लिखते हैं वो दिखाई देता है, वो एज़ कम्पेयर टू CRT जो मोनिटर है उनसे अच्छा होता है, मोर क्लियर होता है। LED लाइट एमिटिंग डायोड मोनिटर। इट इज़ ऑल्सो नाइट द बिग इन साइज नॉर हैवी। ना तो ये साइज़ में बड़े होते हैं ना ही हैवी होते हैं। इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। इनको रखने के लिए भी कम जगह चाहिए। द पिक्चर्स ऑन इट आर मच क्लियरर दैन दोज ऑन CRT एंड LCD मोनिटर्स। जो CRT और LCD मोनिटर्स हैं उनसे और ज़्यादा अच्छी क्लियर पिक्चर, साफ पिक्चर हमें इसमें दिखाई देती है। आउटपुट डिवाइस में नेक्स्ट चलते हैं, प्रिंटर। अ प्रिंटर इज़ यूज टू गेट द आउटपुट टेक्स्ट एंड पिक्चर्स ऑन अ पेपर। प्रिंटर के थ्रू हम पेपर में आउटपुट ले सकते हैं, यानी कि जो भी हमने कंप्यूटर पे लिखा है वो अगर हमें हमारे हाथ में चाहिए या पेपर पर चाहिए तो हम प्रिंटर का उपयोग करते हैं। द प्रिंटेड कॉपी इज़ कॉल्ड द हार्ड कॉपी। प्रिंटेड कॉपी मतलब जो भी हमने लिखा है या जो भी ड्रॉ किया है, अगर आप उसको प्रिंट निकालते हैं, पेपर पर प्रिंट निकालते हैं, दैट्स कॉल्ड हार्ड कॉपी। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्रिंटर। मुख्य रूप से तीन तरह के प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स, इंजेक्ट एंड लेज़र। फर्स्ट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इट कैन प्रिंट ओनली अ फ्यू पेजेस इन अ मिनट। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटर एंड क्रिएट अ लॉट्स ऑफ नॉइज। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इस तरीके का होता है। एक मिनट में कुछ ही पेज प्रिंट हो पाते हैं और इसमें आवाज़ भी बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड इज़ इंजेक्ट प्रिंटर।
इट कैन प्रिंट अप टू 40 पेजेस इन अ मिनट, एक मिनट में इसमें 40 पेजेस प्रिंट हो सकते हैं। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव यहाँ पर मतलब है महंगे होते हैं। ये आप देख लीजिए, इंजेक्ट प्रिंटर इज़ हियर, लेज़र प्रिंटर, इट इज़ बेस्ट इन परफॉर्मेंस एंड प्रिंट क्वालिटी। इनकी क्वालिटी जो होती है, जो छपाई होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है और इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। इट कैन प्रिंट अप टू 100 पेजेस इन अ मिनट, एक मिनट में ये 100 पेजेस प्रिंट कर सकते हैं। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द डॉट मैट्रिक्स एंड इंजेक्ट प्रिंटर बोथ। ये दोनों ही जो हमने पहले ये पढ़े हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और इंजेक्ट प्रिंटर, इनसे महंगे होते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्टर। अ प्रोजेक्टर इज़ यूज टू डिस्प्ले इमेज एंड वीडियोस ऑन अ स्क्रीन। प्रोजेक्टर का उपयोग हम इमेजेस और वीडियोस को स्क्रीन पर देखने के लिए करते हैं। द स्क्रीन कुड बी अ वाइट बोर्ड, वाइट क्लोथ और इवन अ वॉल। कोई भी वाइट बोर्ड यूज़ कर सकते हैं या कोई साफ दीवार है तो उस पर भी हम इसकी इमेज देख सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर में जो भी आप कर रहे हैं वो सारा एज ए आउटपुट, मतलब आपने जो भी प्रोसेसिंग की है और उसका आउटपुट आपको देखना है तो वो आप कहाँ देख सकते हैं, प्रोजेक्टर की हेल्प से देख सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक आउटपुट डिवाइस हो गया। इट इज़ यूज वाइल टीचिंग इन स्कूल एंड कॉलेजेस एंड गिविंग प्रेजेंटेशन इन ऑफिसेस। इनका उपयोग स्कूल में और कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए और ऑफिस में प्रेजेंटेशन देने के लिए भी किया जाता है। स्पीकर्स एंड हेडफोन्स। स्पीकर्स एंड हेडफोन्स आर यूज टू लिसन टू आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड। स्पीकर्स और जो हेडफोन्स हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स, इसका उपयोग साउंड को, मतलब जो आपने म्यूज़िक प्ले किया है या जो भी चीज़ आपने चलाई है उसका साउंड को सुनने के लिए आप उपयोग में ले सकते हैं। तो स्पीकर एंड हेडफोन्स आर ऑल्सो आउटपुट डिवाइस। तो हमने आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से पढ़े हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर्स एंड हेडफोन्स आर आउटपुट डिवाइस।